गुड मॉर्निंग क्लास सेवंथ मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 2.1 2.2 में कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके थे, 2.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2.3 है ना, ये किस पे, इसका बेस क्या है? डिवाइडेशन। इसमें टोटल क्वेश्चन में क्या किया हुआ है? डिवाइडेशन है, तो ये डिवाइडेशन के बेस पे है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड फर्स्ट क्वेश्चन है ए 5/8 / 15/16। तो ये जो नंबर है, इस नंबर से क्या करना है? डिवाइडेशन करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इस बाई की जगह क्या डिवाइडेशन का साइन आएगा? इस प्रकार, ठीक है, 15/16। अब देखो, अगर फ्रैक्शन में कोई डिजिट हो, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में हो, उसको हमें सॉल्व करना होता है, तो क्या करना पड़ता है? जो सेकंड है ना, सेकंड जो नंबर है उसको अपोजिट कर देते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। कैसे? जैसे 5/8 है, मल्टीप्लाई इसको 16/15 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 16/15। समझ में आया? 16/15 कैसे हुआ? क्योंकि जो यहाँ डिवाइडेशन का साइन है, इस साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है। तो इस साइन को चेंज करने के लिए हमें जो नेक्स्ट जो नंबर दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, इसमें 4 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, ये 8 की टेबल से हो रहा है, 8 8 2 जा, और ये 5 की टेबल से 3 टाइम, तो जो हमारे पास सोल्व आंसर आ रहा है वो 3/2/3 आ रहा है। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा 2/3, जो हमारा होगा वो आंसर होगा। तो बाई के जो साइन होता है, बाई जहाँ लिखा होता है वहां साइन किसका लगाएंगे? डिवाइडेशन का साइन लगाएंगे। डिवाइडेशन के साइन को फिर किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई की में। मल्टीप्लाई करने में जो आगे की फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ओके, 2/3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी कौन सा है? 5/7/5/7/20। ओके, 5/7/20 ऐसे लिख सकते हैं, 5/7/24y मल्टीप्लाई का साइन करेंगे बीच में तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 5 की टेबल में 4 टाइम कितना आएगा? 1/7 × 4, 7 7 4 28, कितना आएगा? 28। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 5/7/20 की जगह क्या डिवाइड करें साइन लगाएंगे? 5/7/20 को क्या मल्टीप्लाई के साइन में लेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब 1/20 को 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, तो 7 × 4 = 28, तो 1/28 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
48 बाई 48 बाई 3 5 अपॉन 5। इसको पहले सॉल्व करेंगे, 48 डिवाइडेशन 18 अपॉन 5, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18, ठीक है। अब इसको फोर की टेबल से, नहीं जा, टू की टेबल से जाएगा, टू फोर और ये 9, टू फोर और ये कितना जाएगा, 9, टू 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 5 बाई 9। 24 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 अपॉन 15, सेवन अपॉन 15